अस्सलाम वालेकुम क्लास सेवेंथ स्टूडेंट्स, एज यू नो वी आर डूइंग यूनिट नंबर 3 एंड इट्स एक्सरसाइजेस. यूनिट नंबर 3 इज़ आवर अबाउट गवादर पोर्ट एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वोकैबुलरी फोकस. रीड द वर्ड्स विद दिस मीनिंग्स. इकोनॉमिक, कनेक्टेड विद ट्रेड इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ वेल्थ ऑफ अ कंट्री. इकोनॉमिक का मतलब होता है किसी मुल्क की तिजारत या सनत के साथ की डेवलपमेंट या तरक्की के साथ कोई चीज़ जो है उसकी दौलत के साथ जुड़ी हुई हो, उसको हम इकोनॉमिक कहते हैं. कोस्टल मीन्स ऑफ और नियर अ कोस्ट. कोस्ट का मतलब होता है किनारा, समंदर का किनारा या साहिल. ठीक है, कोस्टल ऑफ और नियर अ कोस्ट. मेमोरियल, यादगार. अ थिंग दैट विल कंटिन्यू टू रिमाइंड पीपल ऑफ समबडी और समथिंग. मेमोरी का मतलब होता है यादगार के तौर पर कोई चीज़ बनाना. ठीक है, मेमोरियल यादगार के तौर पर कुछ चीज़ बना देना. ट्रांसशिपमेंट, द एक्टिविटी ऑफ मूविंग गुड्स फ्रॉम वन शिप टू अनदर. मतलब एक शिप से दूसरे शिप में चीज़ों को जो चेंज किया जाता है उसको हम ट्रांसशिपमेंट कहते हैं. नेक्स्ट है प्रॉस्पेरिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल. मतलब कि प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली. जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाती है उसको हम खुशहाल कहते हैं. स्पेशली इन मेकिंग मनी, जब कोई बंदा बहुत दौलत वगैरह कमा लेता है तो हम कहते हैं वो प्रॉस्पेर हो गया, उसके अंदर प्रॉस्पेरिटी या खुशहाली आ गई. जी स्टूडेंट, इन तमाम वर्ड्स के मीनिंग्स आप लोगों ने इंग्लिश में याद करने हैं और बाकी जो हमने टेक्स्ट के दौरान ट्रांसलेशन में आपको मैंने उर्दू में बताया कि वो भी आपने उर्दू में उनके ऊपर कंसंट्रेशन करनी है और उनको याद रखना है और उनके उर्दू आपको आनी चाहिए. ठीक है जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिमिली. वी कैन इम्प्रूव आवर वोकैबुलरी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बाय लर्निंग न्यू वर्ड्स. हम अपनी वोकैबुलरी को बढ़ा सकते हैं ज़्यादा अच्छी बातें करने के लिए, कम्युनिकेट अच्छी तरह करने के लिए, और नए वर्ड्स सीखते हैं तो हमारी वोकैबुलरी भी इन्हांस होती है और हमारी कम्युनिकेशन भी अच्छी हो जाती है. सिमिली एज अ फिगर ऑफ स्पीच यूज टू मेक अ कंपेरिजन ऑफ टू कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स यूजिंग एज एंड लाइक. सिमिलीज कैन इम्प्रूव आवर वोकैबुलरी. अब सिमिली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है, एक होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, होते हैं फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच होते हैं वो प्रोनाउंसिएशन को या हमारी कम्युनिकेशन को मज़ीद बेहतरी देने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. और सिमिली का मतलब मिसाल देना. तो ये एक किस्म का कंपैरिजन होता है दो डिफरेंट चीज़ों के दरमियान में, जिसके दरमियान हम एज लगा देते हैं या लाइक लगा देते हैं. इस तरह करने से वो वर्ड जो हैं दो डिफरेंट वर्ड्स मिल के एक सिमिली बना देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, या मिसाली मिसाल बना देते हैं. जी, द वर्क यू हैव टू डू अबाउट सिमिलीज इज दैट रीड द गिवन टेक्स्ट एंड अंडरलाइन सिमिलीज, देन यूज दीज सिमिलीज इन सेंटेंसेज इन योर नोटबुक. हाँ जी, आपको यहाँ पे थोड़ा सा पैराग्राफ से दिया कि इसमें आपने सिमिलीज को अंडरलाइन करना है, फिर आपने क्या करना है उनके सेंटेंसेज बनाने हैं. होमवर्क आपका यही होगा कि आप लोगों ने डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग जो है वो याद करनी है इंग्लिश में, और सिमिलीज के जो है वो वर्क आप लोगों ने सेंटेंसेज बना के अपनी नोटबुक में काम करना है. ठीक है, अब मैं पढ़ती हूँ, आप लोग साथ साथ अंडरलाइन करते जाएंगे. द रूम वॉज एज डार्क एज नाइट. मैंने आपसे बोला एज आ जाए वर्ड के दरमियान या लाइक आ जाए तो वो आपका सिमिली होगा. तो हमारे यहाँ पे कौन सा सिमिली हो जाएगा, एज डार्क एज नाइट. यहाँ पे देखिए, मैंने आपको अंडरलाइन कर दिया, रूम वॉज एज डार्क एज नाइट, तो इतना काला जैसे कि रात. द अरोमा ऑफ शुगर फिल्ड द एयर. अच्छा जी, रूम जो था वो इतना अंधेरा था जैसे कि रात, और अरोमा ऑफ शुगर फिल्ड द एयर, हवा के अंदर शुगर की या चीनी की खुशबू फैली हुई थी. अरोमा मैंने खुशबू होता है. जी नेक्स्ट देखिए, ऑल द पीपल इन द रूम वर एज क्वाइट एज माइस. जी, सब लोग ऐसे खामोश थे जैसे कि चूहा, एज क्वाइट एज माइस. जी, एज क्वाइट एज माइस आपका सेकेंड सिमिली होगा. फर्स्ट था आपका एज डार्क एज नाइट, सेकेंड हो गया एज क्वाइट एज माइस. सडनली दे हर्ड द साउंड डोर क्रीकिंग ओपन. अचानक से उन्होंने सुना, दरवाजे की आवाज़ सुनी, जैसे कि वो चीख, वो जो क्रीच की आवाज़ आती है दरवाज़ा खुलने में, उसके साथ वो दरवाज़ा खुला. वानिया स्टेप्ड इन एंड स्विच्ड ऑन द लाइट. वानिया अंदर दाखिल हुई, उसने लाइट ऑन कर दी. एवरीवन इन द रूम जंप्ड अप एंड जेल. जो भी लोग कमरे में थे वह सब के सब एकदम से चीखे, और मतलब सब ने छलांग लगाई और एकदम से वो चिल्लाए या चीखे. सरप्राइज सरप्राइज, हैरानगी की बात है. हैप्पी बर्थडे, आप मतलब कि आपको सालगिरह मुबारक हो. वानिया गॉट सरप्राइज्ड बाय ऑल दिस. वानिया इस तमाम से बहुत ज़्यादा हैरान रहेंगी. ही वॉज हैप्पी एज अ लार्क, जिससे कि वो एक
जी स्टूडेंट, वाज हैप्पी एज लार्क। लार्क हम कहते हैं छोटे से परिंदे को, जैसे बुलबुल की तरह जब खुशी से झूमता है, गाता है, बागों में फिरता है ना फूलों के, इस तरह से इतना खुश होगी जैसे कि लार्क। टू सी हर फ्रेंड्स एट हर होम, अपने घर के अंदर देखी। अब आपको काम तो पता चल गया हमने क्या करना है। जी, आप लोगों ने बनाने हैं जुमले, ये तमाम जो आपको मैंने बोले हैं, इसमें अंडरलाइन जो हमने किए हैं सिमिलीज, और ये तकरीबन बनते हैं आपके। फर्स्ट वन हो गया एज डार्क एज नाइट, वन। टू इज एज क्वाइट एज माइस, टू हो गया। फिर है एज अ लार्क, तीन हो गए। तीन के आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। ये आपको होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह आप इतना काम साथ साथ जारी रखिए, फिर हमने इसका टेस्ट भी लेना है आपसे, ठीक है। साथ साथ आप पढ़ते रहेंगे तो फिर याद होता रहेगा, फिर टेस्ट देने में आसानी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।